कल्पना करिए कि सुबह सुबह आपकी नींद खुले और कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिले। तो आज शिमला को टाटा बाय बाय बोलने का समय आ चुका है और बहुत मिस करूंगा मैं इस रूम को। एक बार आप लोग भी नज़र मार लो। मनाली आते हो तो आप लोग इसी होटल में रुकना। यहाँ पर का मैं जो कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल्स एड्रेस सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। आज हम लोग यहाँ से स्पीति काजा के लिए निकल रहे हैं। आज का हमारा डेस्टिनेशन है, आज का लक्ष्य है, आज की मंजिल हमने जो डिसाइड करी है वो है चंद्रताल। और चंद्रताल लेक यहाँ से है तो मात्र 110 किलोमीटर लगभग, और 6 घंटे की राइड है। लेकिन इस 110 किलोमीटर में जो 65 किलोमीटर हैं वो प्योर ऑफ रोड है। स्पीति सर्किट का सबसे कठिन ऑफ रोड आज हम लोग को मिलने वाला है। तो आज की राइड बहुत ही एडवेंचरस होने वाली है। ये वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस बनने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके एक खूबसूरत लाइक के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं जिंदा विजयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए। तो वी आर ऑल सेट, टैंक बैग डाल दिया है और आज हमारे साथ में अजय भाई भी जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि अजय भाई और उनके मित्र अल्टो में जा रहे हैं, तो हम दोनों का जो सैडल बैग है गाड़ी में डाल दिया है। आप चल रहे हैं हमारे साथ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है। ये हैं विशाल जी, अजय भाई के दोस्त हैं। अजय भाई उधर रेडी हो चुके हैं। अजय भाई चलें फिर। तो आज का क्या प्लान है? आज का सीधा अपन अटल टनल क्रॉस करके सीधा चंद्रताल जाएंगे। चंद्रताल में नाइट स्टे करेंगे। मतलब आज का दिन सबसे एडवेंचरस होने वाला है। ओके भाई लोग मिलते हैं फिर, थैंक यू। जब बाइक पे सैडल बैग लोड रहता है तो बैठने में तो काफी दिक्कत होता है, तो आज सैडल बैग नहीं है। ऑफ रोडिंग में भी बाइक में बढ़िया मजा आएगा चलाने में। बाइक वार्म अप करते हैं, कोल्ड स्टार्ट। लगभग 11:15 बज गए निकलते निकलते। ओके फैम चलो मिलते हैं, आगे कहीं चेक करवा लेंगे हवा। ठीक है, ओके हर्षित बाय, लेट्स मूव बाय। सो अल्टो हमारे पीछे पीछे आ रही है। मैं को तो डर लग रहा है, पता नहीं चढ़ पाएगी कि नहीं। हम लोग अल्टो को सोच रहे हैं कि वो चढ़ पाएगी कि नहीं, पता चला कि हमारी ही गाड़ी नहीं चढ़ पाई। निकल चुके हैं हम लोग मनाली की खूबसूरत सड़कों में। इस तरफ आप देख सकते हो खूबसूरत पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों पे बने हुए खूबसूरत घर। और अभी हम लोग जाने वाले हैं अटल टनल से होकर, तो थोड़ी ही देर में अटल टनल मिलने वाला है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज की राइड के लिए, बहुत पॉजिटिव नोट पे चालू हुई है। सैम भाई लोग भी बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हम लोगों को भेजे हैं। यहाँ पे बोर्ड देख सकते हो, लेह 477 किलोमीटर, रोहतांग 55 किलोमीटर। टूरिस्ट काफी ज्यादा है इस सीजन में। अजय भाई भी बोल रहे थे कि ये वाला जो सीजन रहा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे। और अभी भी आप देख सकते हो कितनी भीड़ है मनाली में, और बाइकर्स ही बाइकर्स दिखेंगे आपको। टैंक फुल करा लेते हैं, वैसे ऑलरेडी टैंक फुल है, सिर्फ एक बार कम बता रहा है। अरे पेट्रोल नहीं है सर, मेरा एक डंडा कम है, हो जाएगा आज के लिए। वैसे टैंक ऑलमोस्ट फुल है हमारा। मनाली जब हम लोग पहुंचे थे तो पहुंचने से लगभग 10-20 किलोमीटर पहले फ्यूल अप कराए थे और लोकल मनाली घूमे हल्का फुल्का। आगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा पेट्रोल, ब्लैक में भी कई बार मिल जाता है, थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं हम लोग। ये देखिए घुमावदार सड़कें, पहाड़ी सड़कें शुरू हो चुकी हैं। अभी हम लोग जहाँ पर हैं यहाँ से सोलैंग वैली है 7 किलोमीटर और अटल टनल ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर। वादिया मैं तो आप लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ और कितना लकी फील कर रहा हूँ अपने आप को कि ये जिंदगी जी पा रहा हूँ मैं, ये सब कुछ देख पा रहा हूँ। ओहो, अभी तो शुरुआत है। अभी जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं स्पीति का जो सर्किट करने वाले हैं, एक से एक सुंदर नज़ारे आने वाले हैं। अभी हम लोग गुजर रहे हैं सोलंग वैली से और बहुत ही सुंदर सड़कें हैं, देख सकते हो आप लोग कितने घुमावदार जलेबी जैसी। और इन सड़कों पे अमित भाई देखो कितने मजे ले रहे हैं एकदम, बाइक भी अच्छी लग रही है इनके ऊपर। और ये हम लोग पहुंच गए अटल टनल, और बर्फ का भी पहला नजारा हम लोग को दिख रहा है, वो आप देख सकते हो बर्फ और पहाड़ों के ऊपर बादल। यहाँ पे रुकते हैं एक मिनट और एक फोटो उठाते हैं। उतरना है मतलब आप कहाँ पे हो? गेट पार कर लिए? आप तो दिख नहीं रहे मेरे को, किसी को बोल के फोटो क्लिक करवा सकते हैं। तो हम लोग हैं अटल टनल के गेट पे, काफी ट्रैफिक है, जितने भी लोग आ जा रहे हैं यहाँ पे फोटो क्लिक कराने के लिए रुके हुए हैं। हम लोग भी इसीलिए रुके हुए थे, बनता है भाई इतना दूर बाइक लेके आए हैं तो बनता है, फोटो क्लिक कराना तो बनता है। पुलिस वाले भी कोऑपरेट कर रहे हैं, वो लोग भी मना नहीं कर रहे हैं कि फोटो नहीं ये वो करके। अच्छा लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर फोटो सेशन हो गया हमारा। यहाँ पे पुलिस वाले लोग ये भी चेक कर रहे हैं कि कहीं हमने फ्यूल तो नहीं रखी है। अटल टनल के अंदर पेट्रोल वगैरह लेके जाना अलाउड नहीं है,
ये है अटल टनल, यहाँ से चालू होता है अटल टनल रोहतांग साउथ पोर्टल। एल्टीट्यूड है 10,040। ओ हो, ये अटल टनल बहुत ही बढ़िया वेल मेंटेन्ड है, और अटल टनल के बनने के बाद में यहाँ के लोगों की जिंदगी काफी आसान हो गई है। पहले क्या होता था कि विंटर्स में ये पूरा रोड क्लोज रहता था रोहतांग पास की वजह से, रोहतांग में क्योंकि बर्फ जमा होती थी तो फिर रास्ते बंद रहते थे। स्पीति के तरफ के लोगों का भी जीवन काफी आसान हो गया है रोहतांग पास का ये जो अटल टनल है ये खुलने के बाद में। यहाँ अटल टनल में मेरे को एक और खासियत महसूस हो रही है कि यहाँ पर अंदर वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा है, और कंपेयर टू अदर टनल्स यहाँ पे डस्ट वगैरह भी इतनी नजर नहीं आ रही है जैसा आप देख सकते हो, और हवा भी साफ लग रहा है। और हम लोग ये निकलने ही वाले हैं अटल टनल से बाहर, ऐसा लग रहा था जैसे सदियां बीत गई अटल टनल में, बहुत टाइम लगा निकलने में। और बाहर निकलने के बाद तो बिल्कुल नजारे बदल गए, दुनिया बदल गई, और बहुत सारे टूरिस्ट भी हैं यहाँ पर जो अटल टनल देखने के लिए आते हैं। ओके अटल टनल, मिलते हैं जल्दी। सो यहाँ से रास्ते अलग होते हैं, लेह के लिए हमें लेना है लेफ्ट, लेकिन हम आज लेह नहीं जा रहे हैं, आज हमें जाना है काजा की तरफ, तो यहाँ से लेना है हमको राइट। इस तरफ का तो बहुत चक्कर लगा लिया, आज इस तरफ चलते हैं, फीलिंग ग्रेट। और अजय भाई भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ऑल गुड। अच्छा नेक्स्ट हमारा पॉइंट कहाँ होगा, मीटिंग पॉइंट? नेक्स्ट मीटअप पॉइंट कोक्सर। कोक्सर कितना दूर है? वो यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर है। ओके ओके, आगे नेक्स्ट मीटिंग पॉइंट कोक्सर में होगा अमित। हा, पहाड़ियाँ, बर्फ भाई, जब हम लोग घर पे रहते हैं इन सब जगहों को वीडियोस में देखते हैं एकदम, और आज उन जगहों से खुद गुजर रहे हैं, उस तरफ भी आपको बर्फ दिखेगी, इस पहाड़ी पे भी देखो बर्फ कितने पास, और वेदर इतना अच्छा है, ठंडक महसूस हो रही है। मैंने जानबूझ के मेरे जैकेट के जो वेंटिलेशन वेंट्स होते हैं उनको खोल के रखा है ताकि ठंडी ठंडी हवा आए, और वो देखो और बर्फ, फुल मजे ले रहे हैं हम लोग अभी बर्फ की ठंडक का। और ये हम लोग पहुंच गए कोक्सर, और यहाँ पे हम लोग एक स्मॉल सा ब्रेक लेंगे, कुछ जो सप्लाईज हैं इमरजेंसी सप्लाई वगैरह वो सब यहाँ से खरीद लेंगे, क्योंकि आगे शायद कुछ और नहीं मिलेगा। यहाँ शायद कोई एंट्री करानी है, करा लेते हैं, हो गया हमारा एंट्री। अभी तो भूख भी लगी है भाई। ओके कुछ खा लेते हैं, फिर यहाँ 4-5 किलोमीटर बाद ऑफ रोडिंग है शायद। क्या नाम है तो? रुकसर। हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं कोक्सर नाम की जगह पे, कुछ खा लेते हैं, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर बाद खतरनाक ऑफ रोडिंग चालू हो जाएगी, तो पेट पूजा कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर बढ़ेंगे आगे। हमारा भोजन पक रहा है, भैया हमारा खाना बना रहे हैं। 3 साल पहले आप शायद यही पे कैंपिंग किया था, जानी पहचानी सी जगह दिख रही है वीडियोस में, लेकिन वो भैया नहीं है, कोई दूसरे भैया है, जगह वही है। अभी हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं, भोजन करेंगे। आर यू गुड अजय भाई? बढ़िया, मैं अपना कुछ ऑनलाइन पेमेंट करने में लग रहा हूँ। कर लो, आगे नेटवर्क नहीं मिलेगा, तो मैं भी कॉल वॉल कर लेता हूँ घर में। ये आ गया हमारा लंच, आलू जीरा और रोटी। अजय भाई ने सजेस्ट किया कि ये पेट ज्यादा खराब नहीं करेगा, क्योंकि मसाले वसाले नहीं रहते हैं। और अभी राइड में आगे पेट का सही होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा है ना अमित भाई। भोजन करते हैं उसके बाद निकलते हैं घर, तो मैं कॉल कर दिया हूँ कि आगे 2-3 दिन तक नेटवर्क नहीं मिलेगा। हो गया लंच, और लाइट लंच किया है हम लोगों ने, 2 रोटी और आलू जीरा की सब्जी, क्योंकि आगे जो ऑफ रोडिंग है उसमें पेट में ज्यादा कुछ डालना ठीक नहीं है। अभी हम लोग ये जिस हाईवे से चल रहे हैं ये पुराना लेह मनाली हाईवे है, अगर हम लोग सीधे जाएंगे तो पहुंच जाएंगे मनाली वापस। यहां से मनाली है लगभग 70 किलोमीटर, और बीच में है रोहतांग पास, रोहतांग पास है यहां से 19 किलोमीटर, और तो आजकल अटल टनल बन गया है तो रोहतांग पास पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए घोड़े चल रहे हैं घास, यहाँ पर ये वाटरफॉल खूबसूरत सा है, लगता है यहाँ पे फिर से कुछ चेक हो रहा है, मैं रोक रहे हैं यहाँ। ओके यहाँ से सीधे जाएंगे तो रोहतांग होकर मनाली, और यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट का टर्न। देखिए रास्ता, देखिए शुरुआत ही देखिए, स्पीति लाहौल काजा सर्किट का ऑफ रोड का शुरुआत हो चुका है। इस रास्ते में कुछ पैचेस हैं जो काफी ज्यादा एडवेंचरस हैं, रिस्की हैं,
और हम लोग अभी इसी तरह से एक नंबर दो नंबर गियर में ही आगे बढ़ पाएंगे। इस जगह पे एडवेंचर मोटरसाइकिल अपना कमाल दिखाती हैं। पैडलिंग करते हुए सन 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 आप निकल सकते हो। जब मैं एओजी के साथ में रहता हूँ तो मैं भी सैडलिंग करते करते निकल जाता हूँ, क्योंकि एओजी के साथ में क्या होता है ना, पूरी बैकअप की टीम होती है, मैकेनिक्स होते हैं, कुछ भी खराबी हो कुछ भी हो तो वो लोग तुरंत बना देते हैं, तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस रहता है। यहाँ पर तो हम लोग अकेले हैं, इसीलिए संभाल संभाल के बाइक का ध्यान रखते रखते हम लोग को चलाना है। भाई साहब भाई साहब घोड़ा मेरे को बैठाएगा अपने ऊपर, मेरे को घुमा देगा थोड़ा सा, घोड़ा घास खिलाऊंगा, घुमा दे थोड़ा सा, मैं इसमें घूमूंगा। सुंदर है, क्या बात है, ये क्या वाटरफॉल मिला, बहुत ही ऊंचा वाटरफॉल है और ऊपर आइस जमा है पहाड़ी में, बहुत सुंदर लग रहा है, मस्त। पानी का फ्लो बहुत ज्यादा तेज है, आप आगे देख सकते हो। हम लोग को यहाँ रुकना चाहिए था अमित, दोपहर के लगभग 3 बजने वाले हैं। हम लोग आराम आराम से फोटोज लेते हुए वीडियोज लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सा झरना दिखा हम लोग को, वो ऊपर से आ रहा है, वो ऊपर से आइस पिघल के आ रही है और एकदम पानी ठंडा ठंडा है, एकदम ठंडा पानी है, आइस चिल्ड वाटर है पूरा। हमारी ऑल्टो भी कम नहीं है, हमारी ऑल्टो भी पहुंच चुकी, अजय भाई लोग भी पधार चुके, अब बढ़ते हैं आगे कुछ फोटोज लेके। ये देखो ऊपर से आ रहा है पानी काफी फ्लो से, यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, नीचे से जा रहा है पानी, वो वाटर क्रॉसिंग नहीं है। यहाँ से गुजर रहा हूँ तो एकदम ठंडा ठंडा छींटा पड़ रहा है पानी का। इस सब देख रहे हो, एक व्हाइट घोड़ा और एक ब्राउन घोड़ा पत्थर में अपना गला खुजा रहे हैं और वहाँ पे सुंदर सा छोटा सा स्तूप भी है, स्तूपा। और मैं बार बार पिछड़ जा रहा हूँ क्योंकि मेरी रोड बाइक है, तो अमित भाई आगे जाके वेट कर लेते हैं, जैसे वो आगे वेट कर रहे हैं। काफी देर तक चढ़ाई चढ़ने के बाद अभी काफी देर से हम लोग उतर रहे हैं और ऑफ रोडिंग तो है। इस वक्त दोपहर के 3:50 हो रहे हैं और जो खाया था वो पच भी चुका है। ये आप देख रहे हो पत्थर ऊपर से लैंडस्लाइड होके आए हुए हैं, वो दूर रास्ता नजर आ रहा है, उसी में जाना है हम लोग को। अभी हम लोग पहाड़ियों के बीच से नीचे से गुजर रहे हैं, इस तरफ भी देखो, इस तरफ भी देखो, और इस तरफ की पहाड़ी पूरी पत्थर की है, ग्रीनरी नहीं है। इधर देखो ग्रीनरी है और ऊपर देखेंगे तो ग्रीनरी नहीं है, सिर्फ आइस है। इधर लद्दाख में हर एक टर्न के बाद में पहाड़ियों का रंग चेंज हो जाता है, उनका डिजाइन चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है हर एक टर्न में। वैसे बहुत देर से ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, 2-2.5 घंटे हो गए हम लोग को इस ऑफ रोड में। एक चीज मानना पड़ेगा कि अभी तक इरिटेट नहीं हुए हम लोग कि इतना ऑफ रोडिंग है, सड़क खराब है, क्योंकि हम लोग मेंटली प्रिपेयर होकर आए थे उस चीज के लिए। अगर ऐसी सड़कें हम लोग को उधर मिले, हमारे साइड में मिले और पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते समय मिले, तो सोचो कितना ज्यादा कितना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे हम लोग। अभी मजा आ रहा है। ये हम लोग पहुंच गए सक्सेसफुली छत्रु, ये एक पिट स्टॉप है, बहुत सारे बाइकर्स वगैरह जो भी इस रोड से आते जाते हैं यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ पे 2-4-5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। छत्रु पॉपुलेशन 120, ओनली 120 पीपल, हाइट 11,100 फीट। इस जगह का नाम है छत्रु। अभी हमारे इस वाले पैच का जो मेन ऑफ रोडिंग है वो वाला बचा हुआ है, जो छोटा दर्रा बोलते है ना, वो वाला जगह अभी बचा हुआ है। और देखिए यहाँ पे क्या खूबसूरत पानी बह रहा है, अमित भाई को कंट्रोल नहीं हो रहा है, वहाँ पे जाके अभी पानी भरने वाले हैं। पानी ऐसा लग रहा है फ्रिज का पानी है एकदम, लेकिन पूरा मिनरल से भरा हुआ। क्या पता ऊपर कोई मिनरल्स निकल रहा हो, आप लोग क्या क्या बोल रहे हैं इसकी बातों वो ध्यान न दे। अमित बोलते हैं कि ऊपर से क्या पता कोई मिनरल मिक्स करके भेज रहा हो, तो ऊपर कोई नहीं है, अजय भाई ने क्लियर किया है, ऊपर सीधा ग्लेशियर का पानी है। सारी कैंप साइट में सभी ढाबों में एकदम सभी जगह यही यही वाली पानी पीते हैं। अरे ये हमारे साइड में भेज दे हिमालय का पानी, ये तो 50 रुपए लीटर बिकेगा। पानी पी लिए, कूल डाउन हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। आज का मेन चैलेंज बचा हुआ है जो ऑफ रोडिंग जो आप कल बता रहे थे 65 किलोमीटर की है, तो अभी हम लोग कितना 25 तो कर चुके होंगे, 25 कर चुके हैं पर, और अबव 40 के करीब बचा हुआ है अभी चंद्रताल लेके यहाँ से। हमारा लक काफी अच्छा चल रहा है, अभी तक बारिश नहीं हुई है। दिल्ली से जब से निकले हैं अमित भाई तब से बारिश नहीं हुई है, जबकि जिस दिन हम लोग पहुंचे सेम उसी दिन मनाली में तेज बारिश हो रही थी। ये देखो मस्त घोड़ा, एक पालतू घोड़ा इसके गले में है रस्सी, दो घोड़े और हैं इधर पालतू हैं सब। ये गाड़ी वाले लोग बता रहे हैं कि आगे शायद लैंडस्लाइड हो गई है और रास्ता बंद है, तो ये लोग वापस यू टर्न लेके जा रहे हैं। लेट्स सी आगे जाके देखते हैं। सो
ये तो बैड न्यूज मिली हम लोग को कि आगे लैंडस्लाइड हुई है। आगे वाली गाड़ी को अमित भाई रोक रहे हैं, फिर से उनसे पूछेंगे। ये पूछ रहे हैं कि बाइक निकल पाएगी कि नहीं, शायद बाइक भी नहीं निकल पाएगी। तो हमारी ऑल्टो आगे चलेगी, ये उनको हमारी ऑल्टो में आ जाए भाई, आगे निकल गए उनको रोकते हैं। खैर रुकी जाएंगे लैंडस्लाइड देख के। अजय और विशाल भाई यहाँ पे रुके हुए हैं, तो देखते हैं क्या सिचुएशन है। अगर लैंडस्लाइड नहीं खुला तो रुकना पड़ेगा हम लोग को यहाँ आसपास में कहीं भी। जो छतरू है वो तो काफी दूर है, पीछे एक दो कैंप है वहाँ पे रुक सकते हैं। ये जो आप पहाड़ी देख रहे हो जहाँ पे ये दोनों पहाड़ियाँ मिल रही है, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी है, बाकी गाड़ियाँ यहाँ पे आगे खड़ी हो रही है। हम लोगों ने यहाँ पे एक काम चालू किया है, सारे भाई लोग आके अटक जा रहे हैं। काउंटिंग माइल्स और मैं मिलकर सबको बिस्किट खिला रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। काउंटिंग माइल्स कैसा लग रहा है आपको? ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चले जाएंगे। मेन प्रॉब्लम ये है कि मैंने घर पे बोला कल नेटवर्क आ जाएगा और कल कल तक नहीं आया, परसों भी नहीं आया, तब मुश्किल है। मैं भी ज्योति को वही बोला था, वो लोग टेंशन में आ जाएं। तो जैसा कि अजय भाई बता रहे हैं, यहाँ पे मुख्य समस्या ये है कि नेटवर्क नहीं है। गवर्नमेंट तक या फिर आर्मी वालों तक ये पता नहीं चलेगा, उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे लैंडलाइन। आज तो कम से कम नहीं लगे, कल अगर कोई बंदा आ जाए, जैसे आर्मी का ही कोई बंदा, तो वहाँ से जेसीबी आ सकती है। आज हम लोग को पीछे ही जाना पड़ेगा, रिटर्न या तो रिटर्न जाके ही हम लोग को स्टे करना पड़ेगा वहीं पर। स्टे ऑप्शन खाने के ऑप्शन, यू टर्न मारने में सांस फूल गया भाई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, देखते हैं जो भी कैंप मिलेगा खाली वहाँ पे आज का रात्रि विश्राम कर लेंगे। सिग्नल्स भी नहीं है मोबाइल में, किसी भी ऑपरेटर का सिग्नल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है किसी के पास में सैटेलाइट फोन होगा तभी वो फोन करके बता सकता है कि यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है। ऐसी सिचुएशन के लिए होना चाहिए कैंप टेंट। सैम भाई लोग का अच्छा है, ऐसी मस्त जगह देख के कहीं भी टेंट पिच करो और रुक जाओ। नेक्स्ट मैं कोई राइड करूंगा तो मैं भी टेंट का एक्सपीरियंस लेके देखूंगा कि कैसा होता है उसका मजा, क्या मजा है उसमें। ये एक कैंप साइट दिख रही है यहाँ पे, ये भाई साहब आ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं अजय भाई कि यहाँ पे रुकने की व्यवस्था हो सकती है कि नहीं। लगता है नहीं है, सो यहाँ पे नहीं है। हम लोग को वापस चतरू तक जाना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग रुके थे पानी पीने के लिए। तो चलो चलते हैं वापस। ये बोर्ड आप देख सकते हो, चतरू 4 किलोमीटर मोर। हम लोग चतरू से लगभग 8-10 किलोमीटर आगे थे होंगे। नाम बढ़िया है ना, चतरू। चतरू से लगभग 3 किलोमीटर पहले ये एक कैंप साइट है, लगभग 8-10 कैंप है यहाँ पे। और इसका जो ऑनर है अभी वो यहाँ पे नहीं है, एक लड़का गया है चतरू बाइक लेके पता करने के लिए कि यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं कैंप। देखिए धीरे धीरे गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, कुछ ही मिनटों में भी फुल हो जाएगा। सो लेट्स सी यहाँ पे मिलता है कि नहीं। सो पूछ के आ गए, ये वाली जगह ऑलरेडी बुक्ड है तो यहाँ पे मिलेगा नहीं जगह, तो चलते हैं आगे। आई होप कि मिल जाए वहाँ पे चतरू में। सो हम लोग पहुँच गए चतरू, और चतरू में काफी सारे टेंट हैं, कैंप हैं। इस तरफ भी देख सकते हो आप कैंप्स हैं, इधर आगे भी कैंप्स हैं। आई होप कि मिल जाएंगे। वैसे क्राउड देख के लैंडस्लाइड हुआ है ये जान के पूरी संभावना है कि ये लोग प्राइस डबल ट्रिपल कर देंगे, देखते हैं क्या होता है जाके। सो ये है कैंप्स टेंट्स। कैसा लगा अमित, रुकने का डिसाइडेड है या नहीं है? ऑप्शन नहीं है ना, रुकना ही होगा। तो इधर ही कहीं रुके? इधर। सो इस तरफ 3-4 टेंट लगे हुए हैं, लोकेशन अच्छा है, जाके देखते हैं प्राइस कितना है, जितना भी हो। और कोई ऑप्शन नहीं है। अमित भाई अभी अपना परिंदा उड़ाने वाले हैं, विंड वैसे कम है, अभी फर्स्ट फ्लाइट है इस ड्रोन की, तो थोड़ा सा स्ट्रेस में नजर आते हुए। टेंशन तो है, पहली फ्लाइट है, लाखों का सवाल है। बेस्ट ऑफ लक, जय शिव शंभु, हर हर महादेव, उड़ाया। टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल रही, कांग्रेचुलेशन अमित भाई। थैंक यू। अभी एक चीज मेरे ध्यान में आया, बहुत चिंता का विषय है कि आज हम लोग इंस्टाग्राम कैसे चलाएंगे, स्टोरी कैसे डालेंगे, हमारा यूट्यूब का स्टूडियो कैसे चेक करेंगे, तो व्यू आया क्या, कमेंट आया। नो इंटरनेट, नो सिग्नल, नो मोबाइल, और ये सब मिलेगा कल जब काजा पहुंचेंगे। अगर लैंडलाइन क्लियर हो गया तो शाम हो गया, थोड़ी देर में यहाँ पे कुछ खाने वगैरह का व्यवस्था करेंगे, चलते हैं टेंट में। सनसेट हो चुका है, देखिए स्काई में क्या कलर्स आ रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, ये फर्स्ट वाला टेंट और लास्ट वाला टेंट हमारा है। भाइयों ये हम लोग टेंट के अंदर आ गए हैं, छोटा सा टेंट है, 2% टेंट है, बट नीचे काफी मोटा गद्दा है, रजाई है, कंबल है। कल सुबह टेंट का अच्छे से व्यू दिखाते हैं, टेंट टूर देते हैं आपको, जैसे हम लोग रूम टूर देते हैं वैसे टेंट टूर देते हैं। आज का दिन बहुत ही एडवेंचरस था, बहुत ज्यादा था।
लेकिन दिन जितना एडवेंचरस था आज का खाना उतना ही अच्छा था। खाना तो भाई जब से घर से निकले ये बेस्ट खाना था। भूख भी इतनी जम के लगी थी और आई एम श्योर कि आज यहाँ पे नींद भी बहुत अच्छी आएगी। थके भी हुए हैं, नदी की भी कलकल की धीमी सी दीवानी आ रही है। और एक और गुड न्यूज मिल चुकी है कि जो लैंडस्लाइड हुआ था, आप बता दो गुड न्यूज। हाँ, शायद खुल जाए कल सुबह। बाइक एक्चुअली बाइक जा सकते हैं लेकिन बाइकर्स के लिए तो खुल चुका है ऑलरेडी। हाँ, बड़े बड़े कार के लिए, व्हीकल्स के लिए खुला नहीं है। स्टे ट्यून्ड, कल के एपिसोड में पता चलेगा आप लोगों की आगे क्या होता है। राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। ये वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए काउंटिंग माइल्स और चिंता दोनों को। गुड नाइट, बाय बाय।